हरे कृष्ण। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्य श्रील प्रभुपाद जी के मास्टर शेफ डिसाइपल श्रील भक्तिचार्य स्वामी महाराज के बारे में। आज उनका 76th व्यास पूजा है। वो इस्कॉन के फ्रंट लाइन सोल्जर हैं। महाराज का जन्म कलकत्ता शहर में 17 सितंबर 1945 को एक समृद्ध हिंदू परिवार में हुआ। महाराज के पिता फिल्म प्रोड्यूसर थे और उनकी माता हाउसवाइफ थी। छोटी उम्र में ही उनकी माँ ने उन्हें शिक्षा प्रदान की कि तुम भगवान श्री कृष्ण का शरण ग्रहण करो, पर शहरों के कारण उनकी माता का देहांत बहुत छोटी उम्र में हो गया, जब केवल 7 वर्ष के थे महाराज। इस घटना का बेहद गहरा प्रभाव पड़ा उनके जीवन पर और महाराज स्टडीज़ में डल हो गए। फिर महाराज अपने अंकल के यहाँ गए, फिर धीरे धीरे वो पढ़ाई को कंटिन्यू किए और उन्होंने स्कूल एजुकेशन कंप्लीट की। अंग्रेजी भाषा के प्रति विशेष लगाव था महाराज का, इसलिए महाराज हमेशा से फॉरेन कंट्रीज जाना चाहते थे अपने हायर एजुकेशन के लिए। महाराज आगे की पढ़ाई के लिए जर्मनी गए और हैम्बर्ग में उनकी पहली मुलाकात हुई इस्कॉन के भक्तों के साथ। चूँकि महाराज बंगाली थे, कलकत्ता से थे, उनका विशेष झुकाव था रामकृष्ण मिशन के प्रति। पर इस्कॉन के भक्तों ने कुछ ऐसा कमेंट किया रामकृष्ण मिशन पर जिससे महाराज की भावना को ठेस पहुंचा और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वो कभी इस्कॉन के किसी भक्त से बात नहीं करेंगे। फिर महाराज ने कुछ बुक्स पढ़ी इंडियन हेरिटेज पर, कुछ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी, तो महाराज को ये एहसास हुआ कि हमारा भारत देश जो है वो कितना समृद्ध है, आध्यात्मिक रूप से कितना विशेष है। तो महाराज गुरु की तलाश में वापस भारत आ गए। भारत में महाराज हरिद्वार गए, हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से देवप्रयाग, जोशीमठ, महाराज आश्रम आश्रम गए। वहाँ उन्होंने गुरु की तलाश की, पर महाराज को कहीं भी गुरु, प्रामाणिक गुरु प्राप्त नहीं हुए। फिर महाराज अंततः पहुँचे माता आनंदमयी के आश्रम में। आप देखिए, आज भी माता आनंदमयी के हर शहर में फॉलोअर्स हैं, पर माता आनंदमयी ने उन्हें देखते ही कहा कि तुम इस मार्ग के लिए बने ही नहीं हो, ध्यान मार्ग के लिए। तुम आगे जाके एक बहुत बड़े संत बनोगे और लाखों लोग तुम्हारे दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करेंगे और अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करेंगे। इसके बाद महाराज अपने शहर कलकत्ता आ गए। कलकत्ता में उनकी मुलाकात हुई अपने एक बचपन के दोस्त से जो अब इस्कॉन का डिवोटी बन चुका था। उसे ऐसा वैष्णव ड्रेसअप में देख के महाराज को बहुत अजीब लगा। उसने पहली बार महाराज को इस्कॉन टेम्पल से इंट्रोड्यूस किया। महाराज इस्कॉन कलकत्ता मंदिर गए, वहाँ भगवान का दर्शन किया। भक्तों का केयरिंग नेचर, उनका स्वीट बिहेवियर महाराज को बहुत अच्छा लगा। महाराज ने कुछ दिन मंदिर जाना कंटिन्यू किया। फिर महाराज ने भक्ति रसामृत सिंधु खरीदी और उसे रात भर पढ़ा। पढ़ते पढ़ते वो सो गए। अगले दिन जब वो उठे तो फिर उन्होंने पढ़ना कंटिन्यू किया और रात को श्रील प्रभुपाद जी उनके सपने में आए। श्रील प्रभुपाद जी एक दिव्य सिंहासन पर विद्यमान थे। मानो महाराज जी का सारा इच्छा पूर्ण हो गया प्रभुपाद का दर्शन करके। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, अब यही मेरे गुरु हैं। महाराज कुछ दिन पश्चात मायापुर गए। मायापुर में उनकी मुलाकात हुई हिजलवंश जयप्रताका स्वामी महाराज से, भवानंद महाराज से, तीर्थपाद प्रभु से और प्रभुपाद के अन्य डिसाइपल से। जब वो प्रभुपाद के अमेरिकी शिष्यों का भागवतम क्लास सुनते, कीर्तन सुनते, महाराज को बहुत अच्छा लगता। फिर महाराज ने फाइनली डिसाइड किया कि अब मुझे इस्कॉन का भक्त बनना है। महाराज को पहली सेवा जो इस्कॉन में प्रदान की गई वो थी चक्र बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की। महाराज कंस्ट्रक्शन मटेरियल कलकत्ता से मायापुर लेके आते थे। फिर श्रील प्रभुपाद जी इंडिया आए। कुंभ मेला के दौरान प्रभुपाद जी इलाहाबाद आए। महाराज इस्कॉन के डिवोटीज के साथ मायापुर से इलाहाबाद गए और इलाहाबाद में उन्हें पहली बार श्रील प्रभुपाद जी का दर्शन हुआ। श्रील प्रभुपाद जी का दर्शन करके महाराज ने उनसे जिज्ञासा की, प्रभुपाद मुझे आपसे दीक्षा चाहिए। प्रभुपाद ने उन्हें आश्वासन दिया कि मायापुर में गौर पूर्णिमा के दौरान तुम्हारी दीक्षा होगी। फिर मायापुर में गौर पूर्णिमा के दौरान महाराज की हरि नाम और ब्राह्मण दीक्षा दोनों एक साथ हुई। प्रभुपाद ने महाराज को नाम दिया खीरचोर गोपीनाथ दास। महाराज को
प्रभुपाद जी ने एक विशेष सेवा प्रदान की और वो थी प्रभुपाद के सारे ग्रंथों का बंगला में अनुवाद करने की सेवा। महाराज को श्रील प्रभुपाद जी ने पर्सनली कुकिंग सिखाया। एक दिन भवानंद महाराज के साथ मॉर्निंग वॉक कर रहे थे महाराज, तो उन्हें दर्शन हुए श्रील तमाल कृष्ण महाराज के। श्रील तमाल कृष्ण महाराज उस समय इस्कॉन के हीरो थे, प्रभुपाद के एक प्रिय शिष्य थे। तमाल कृष्ण महाराज का दर्शन करते ही श्रील भक्तिचारु महाराज ने उन्हें दूर से प्रणाम किया। फिर उन्हें श्रील प्रभुपाद जी ने इंडियन अफेयर्स का सेक्रेटरी बना दिया। फिर तमाल कृष्ण महाराज के साथ वो 4 महीना उन्हीं के रूम में रहे। महाराज ने उन्हें बहुत सारी ट्रेनिंग प्रदान की। महाराज बहुत स्ट्रिक्ट थे, तमाल कृष्ण महाराज एक लीडर थे, तो उनका सबके साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट बिहेवियर था। महाराज एकदम परफेक्ट थे, एकदम टाइम के पंक्चुअल थे, पर श्रील भक्तिचारु स्वामी महाराज के साथ उनका एक बहुत स्वीट बिहेवियर था, बहुत ज़्यादा लगाव था। हरिश्वरी प्रभु को कुछ दिनों के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा। इसी दौरान श्रील भक्तिचारु स्वामी महाराज को प्रभुपाद का सेक्रेटरी बना दिया गया। श्रील प्रभुपाद जी फिर मायापुर से मुंबई जा रहे थे। श्रील प्रभुपाद जी की विशेष इच्छा थी कि भक्तिचारु स्वामी महाराज भी उनके साथ जाएं। आप देखिए, श्रील प्रभुपाद तो हम सबके प्रिय हैं, पर उनके प्रिय थे श्रील भक्तिचारु स्वामी महाराज। प्रभुपाद कहा करते थे कि इनका बांग्ला जो प्रोनंसिएशन है वो एकदम परफेक्ट है। और श्रील भक्तिचारु स्वामी महाराज प्रभुपाद के साथ मुंबई गए, मुंबई से ऋषिकेश गए। जब प्रभुपाद अंत्यलीला में थे, प्रभुपाद ने श्रील भक्तिचारु स्वामी महाराज को ही ये निर्देश दिया कि अब उनके शरीर छोड़ने का समय हो गया है, उन्हें अब वृंदावन ले जाया जाए। वृंदावन में श्रील प्रभुपाद जी की उन्होंने अंत तक सेवा की। और जब श्रील प्रभुपाद ने देह त्याग किया, उन्हें समाधि दिए रहे थे उनके शिष्य, तो श्रील भक्तिचारु स्वामी महाराज वहीं खड़े थे उनके समाधि पीठ में। वो बाहर नहीं आ रहे थे, उन्हें लग रहा था अब उनके प्राण धन ही नहीं है, प्रभुपाद जी ही नहीं है, वो क्या करेंगे, अब वो किसकी सेवा करेंगे, उनके जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है। फिर भक्तिचारु महाराज को श्रील तमाल कृष्ण महाराज ने जबरदस्ती समाधि पीठ में से बाहर निकाला। उन्हें बताया गुरु की सेवा वपु सेवा से भी अधिक महत्वपूर्ण है वाणी सेवा, गुरु की विरह भाव में सेवा ये वापू सेवा से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आप देखिए श्रील भक्तिचारु स्वामी महाराज ने कितना प्रचार किया। सेंट्रल इंडिया में उन्होंने इस उज्जैन में इस्कॉन का मंदिर बनाया, पूरे बंगाल में उन्होंने प्रचार किया, पूरे विदेश में उन्होंने इतना प्रचार किया। और श्रील भक्तिचारु स्वामी महाराज ने प्रभुपाद जी पे एक स्पेशल सीरीज बनाई, अभय चरण, वो कितना पॉपुलर रहा दूरदर्शन पे। उनका नेचर बहुत स्वीट था, आप उनका कोई भी फोटो देखिए, हर फोटो में उनकी एक स्वीट सी स्माइल, हर फोटो में वो किसी के कंधे पे हाथ रख रहे हैं, किसी को शाबाशी दे रहे हैं। उनका नेचर ही ऐसा था, उनका नेचर देख के ही लोग इंस्पायर होते थे और भक्ति में आते थे। उन्होंने प्रभुपाद पे एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम है ओशन ऑफ मर्सी, कृपा सिंधु। वो प्रभुपाद को कृपा सिंधु बता रहे हैं, पर जो श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं वो कृपा बिंदु हैं। यदि प्रभुपाद कृपा सिंधु हैं तो उनके शिष्य कृपा बिंदु हैं। हमने प्रभुपाद जी को कभी नहीं देखा, पर हमने प्रभुपाद के शिष्यों को देखा है, तो कृपा बिंदु को देख करके हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कृपा का सिंधु कैसा होगा। तो आज श्रील भक्तिचारु स्वामी महाराज के 76th व्यास पूजा पे हम उनके चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि हमारे भीतर भी वैसी गुरु निष्ठा डेवलप हो और हम प्रभुपाद जी की सेवा कर सकें। हरे कृष्ण। श्रील भक्तिचारु स्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।